तो हेलो दोस्तों, आज के मार्केट में आप सभी का वेलकम। तो काफी दिनों बाद मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो लगभग आप देख सकते हो कि यहाँ पर 1 मंथ हो गया था वीडियो शूट किए हुए। ये भी जो गैप हुआ 1 मंथ का, इसका रीजन मैं आपको कल बताऊंगा और पूरा डिटेल वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मकान वगैरह का बाग बाग बहुत सारा मतलब बहुत सारी चीजें हैं, तो उसके बारे में अपन कल वीडियो देख लीजिएगा। अभी हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी या निफ्टी में एक स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने वाला हूँ जिसको आपको यूज करना है, और मंडे से हम लोग उस स्टडी पे काम करेंगे। ओके दोस्तों, तो वही चीज मैं आपके पास रिवील करने वाला हूँ। तो आपको सिंपल ध्यान रखना है हाई एंड लो। हाई एंड लो क्या, मंथली का सबसे पहले आपको ध्यान देना है, उसके बाद क्या ना हाई एंड लो एंड वीकली का। ठीक है, तो देखिए ये चीजें सभी को सभी लोगों ने ट्रेड किया होगा, इस पे मंथली एंड वीकली लो पे एंड हाई पे ट्रेड सभी लोगों ने किया था। बट दोस्तों आपने नोटिस भी किया होगा कि कुछ दिन काम करता है एंड कुछ दिन काम नहीं करता, तो ये भी आप इस चीज को भी आप समझ लीजिए कि हर दिन मार्केट एक जैसी नहीं रहती है, जिसके वजह से कुछ दिन ये मंथली हाई लो ओवर करता है, कुछ दिन आपको प्रॉफिट देता है, कुछ दिन आपको लॉस देता है। तो एक चीज आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा, कुछ दिन वो कौन से दिन है, कैसे हम पता कर सकते हैं। तो कुछ मैं आपको यहाँ पर टिप्स और ट्रिक्स भी बताऊंगा, कैसे आप समझ सकते हो किस दिन आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा और किस दिन आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको डेटा फैक्टर को समझना पड़ेगा, डेटा के हिसाब से ही आपको मंथली हाई एंड लो का कंफर्मेशन सबसे ज्यादा आपको मिलता है। ओके, जिससे वजह से बेनिंग रेशियो आपको क्या होगी, इंप्रूव होगी, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए आप बिल्कुल अब बने रहे, वीडियो में आपको डिटेल पूरा बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या है, मंथली का आपको हमने बात किया, मंथली का हाई एंड लो करेक्ट। तो आपको सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है एंड नियरली जहां पर करंट मार्केट है, जैसे मंडे को मार्केट ओपन हुआ 41,000, आपका यहाँ पर हो सकता है कि 41,000 ओपन हो या 40,000 के आसपास ओपन हो, तो आपको नियरली आपका क्या करना है, मंथली का हाई एंड लो आपको मार्क करना है कहीं पर भी किसी भी दिन का। वो मैटर नहीं करता कि आपको आ, आ, वो प्रीवियस डे का हो या किसी, सिंपल आपको यहाँ पर करना है हॉरिजॉन्टल लाइन आपको उसे ड्रॉ कर लेना है। तो ये सिर्फ मैं हाई मार्क कर रहा हूँ, हाई एंड लो। तो सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पर हाई एंड लो पे आपको सिंपल ऐसे ड्रॉ करके छोड़ देना है। ठीक है, आपको ऐसे ड्रॉ कर लेना है, तो जिससे आपको यहाँ पर एक चीज अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जिससे आपको काफी ज्यादा यहाँ पर क्लियर कंफर्मेशन मिलता है। ओके, एंड ये हो गया वीकली का। अब वीकली का आपको ये देखना है, वीकली की भी आपको नियरली यहाँ पर आपको आपको ड्रॉ कर लेना है, जहां जहां पर वीकली का आपको वीकली का हाई लो नजर आता है सब पे हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करके आप छोड़ दीजिए। ओके, तो सिंपल हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, एंड एक और हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे ये हो गया एंड एक हमारा एंड ओके, तो ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब आपको क्या करना है, आपको ट्रेड आपको देखो ट्रेड निकालने का जो टाइम है वो आपको यूज करना है 1 मिनट टाइम करें, ना ही आपको 5 मिनट यू नहीं यूज करना है, ये ध्यान रखना है। 1 मिनट यूज कर सकते हो, 3 मिनट यूज कर सकते हो, पर सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है 1 मिनट पे, क्योंकि हम स्कैल्पिंग ट्रेड करना सीख रहे हैं दोस्तों। ओके, क्योंकि हमारे पास इतना पेशेंस नहीं होता कि हम बड़े बड़े ट्रेड के लिए यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं ट्रेड करेक्ट। अब यहाँ पर क्या था कि अगर हम इस केस में यहाँ पर हम ट्रेड किए होंगे तो हमारा एक दो बार अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो ये ट्रेड हम निकालने में पॉसिबल मतलब हम उतना देर तक होल्ड नहीं कर सकते ट्रेड को, क्योंकि मॉर्निंग में ही हमारा माइंडसेट क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया है, और ये क्या हो जब मार्केट क्लोज हो रहा है तो यहाँ पर भी अपने को डर लगा रहता है। ओके, ये जो रॉकेट की तरह अपसाइड बड़ा ट्रेड निकला है, इस तरह के ट्रेड क्या होगा पॉसिबल नहीं होता, तो हम छोटे छोटे ट्रेड निकालने की कोशिश करेंगे और हाई एंड लो से। तो सिंपल आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है। अब आपको आता है डेटा, डेटा दोस्तों डेटा पता करने के लिए, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ एक तरीका कि कैसे आप डेटा को पता कर सकते हो दोस्तों। अब बात आती है अब डेटा की कि कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पर सबसे ज्यादा हाई है, यहाँ पर कहाँ पर सबसे ज्यादा यहाँ पर बायर से है, सबसे ज्यादा कहाँ पर सेलर से। सिंपल आपको इस वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा niftyydata.com पे, आप सर्च कर सकते हो गूगल में और डायरेक्टली यहाँ पर आ सकते हो। ये फ्री वेबसाइट है, यहाँ पर आपको फ्री डेटा मिलेगा, यहाँ पर कोई भी पैसे नहीं देने होते हैं, ये भी आपके लिए एक अच्छा है इस वेबसाइट के लिए। और आपको याद पुट यहाँ पर जो रेड बार है, रेड बार अगर यहाँ पर ब्लू बार से ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर मार्केट क्या होगा, रिवर्स होगा, यानी बुलिश रहेगा। ठीक है, मार्केट क्या होगा, बुलिश जाएगा। ये आपके लिए थोड़ा सा जानकारी मैं आपको बताया था इस वेबसाइट के बारे में। एंड यहाँ पर ये ब्लू बार अगर ज्यादा है मान लो रेड बार से, तो इसका मतलब ये क्या, ये सेलर्स, ये 25,000 क्या, ये सेलर्स का कॉन्ट्रैक्ट है, इसका मतलब ये कि मार्केट क्या होगा, डाउन जाने के चांस है यहाँ पर। तो ये चीज क्लियर हो गया कि आपको यानी बुलिश एंड बेरिश का कैसे आइडेंटिफाई करना है।
अब बात आती है कि सेक्टर का, ठीक है। देखिए कॉम्बिनेशन, जितना ज्यादा कॉम्बिनेशन आप पकड़ोगे चीज का उतना ज्यादा आपका बेनिफिट मिलेगा। सेक्टर आपको ये देखना है कि मोस्टली जो सेक्टर होता है, जो हाई वेटेज सेक्टर होता है, वो है आईटी, आईसीटी सेक्टर सबसे ज्यादा है, और एनर्जी है, एंड प्राइवेट बैंक्स है, एंड फाइनेंस है। ओके, उसके बाद आता है पीयूष बैंक, ठीक। फिर उसके बाद आता है एफएमसीजी, उसके बाद ये सारे जो है फार्मा हो गया, ऑटो हो गया, मीडिया हो गया, मेटल हो गया, रियलिटी हो, ये सारे बहुत बाद में आते हैं, ठीक है। सबसे पावरफुल ये सारे ये आईटी हो गया, एनर्जी हो गया, प्राइवेट बैंक हो गया, एंड फाइनेंस हो गया, एंड पीयूष बैंक है। ये सेक्टर क्या होगा, जिस डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर मैं कहूँ कि ये सेक्टर अगर बुलिश में है, ठीक है, अगर ये सेक्टर बुलिश में है एंड मार्केट का भी डायरेक्शन, यानी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का भी डायरेक्शन क्या है, बुलिश में है, तो इसका मतलब ये है आपको ये फाइंड करना है कि आपको अपसाइड के लिए ट्रेड कैसे मिलेंगे, ठीक है। अपसाइड के लिए ट्रेड कैसे मिलेंगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पर ये आना है, रेड बार वाला आपको सबसे ज्यादा आपको देखना है कि सबसे ज्यादा होना चाहिए, यानी ब्लू से ज्यादा होना चाहिए रेड बार। तो कैसे आइडेंटिफाई किया था वो मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर आते हैं, थोड़ा आइडेंटिफाई करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ से यहाँ तक, अब जैसे हमको ये रहा, ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट है। तो अब जैसे दोस्तों की, अब यहाँ पर ये क्या कि रिवर्सल हुआ, मार्केट क्या हुआ, पहले डाउन आया, उसके बाद रेंज हुआ, रेंज हुआ, रेंज हुआ। अब अगर ये कैंडल्स ब्रेकआउट दे रहा है, तो क्या ये बायर्स इसमें कुछ इंटर हो रहे हैं, है ना। या मैं कहूँ कि अगर यहाँ पर ब्रेकआउट होगा, यानी 39,350 या 400 को, 39,400 को ब्रेक कर रहा है, तो क्या इसमें स्ट्रोंग बायर्स जो है वो इंटरेस्टेड है, ये वाली जो कैंडल मार्केट ऊपर जा रहा है, क्या स्ट्रोंग बायर्स इंटरेस्टेड है। तो ये हम पता करने के लिए हम क्या करेंगे, अब डेटा पे फिर से वापस आएंगे। तो डेटा को हम कैसे देखेंगे, डेटा को हम डिवाइड करेंगे इस पार्ट से, ठीक है, इस टाइम से, यानी 10 बजे से हम देखेंगे लगभग 2:30 बजे के बाद तक, ठीक। फिर डेटा को हम पता ये करेंगे कि 1 बजे से 2:30 बजे के बीच में क्या बायर्स का एंट्री हुआ कि नहीं हुआ, तो डेटा कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, ओपन हुआ कि नहीं, यानी बाई साइड पोजिशन बना कि नहीं बना। तो सबसे पहले हम 10 बजे से चेक करेंगे 2:30 बजे तक, ये रहा आपका 2:30 बजे तक। तो हमको क्या देखना, हमको सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या है कि आपका आपका क्या होना चाहिए, आपका रेड वाला होना चाहिए। अभी मैंने क्लिक नहीं किया है गो पे, तो अभी मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, जिससे आपको पहले ही काम। अब जैसे मैं गो पे क्लिक करूंगा तो ये सारे डेटा बार चेंज हो जाएगा, इसको आप ध्यान समझना। ये देखिए डेटा बार क्या हुआ, चेंज हो गया, करेक्ट। तो अभी आपको यहाँ पर एक क्लियर कंफर्मेशन आपको यहाँ पर नजर आ, यहाँ पर क्या है कि बायस जो है वो एग्जिट पोजिशन, ठीक है। बायस ने क्या किया, क्योंकि मार्केट क्या हुआ था, डाउन आया था, यानी मार्केट 9:15 से एंड 2 बजे के आसपास, यानी 2 बजे के आसपास क्या है, मार्केट डाउन ही था, यानी 2:30 बजे के बाद मार्केट क्या हुआ, यानी 2:40 के बाद मार्केट बुलिश हुआ, स्ट्रोंग हुआ, ठीक है। तो ओवरऑल मार्केट का रिवर्सल जो हुआ था लगभग 1:30 बजे, यानी 1:45 के आसपास मार्केट रेंज हुआ, उसके बाद मार्केट क्या हुआ, बुलिश हुआ। तो ये चीजें आपको, तो उसी वक्त क्या हुआ, यहाँ पर देखो बायर जो है वो अपना पोजिशन क्या हुआ, क्लोज किए हैं, क्योंकि ये क्या है कि मार्केट डायरेक्शन डाउन आ गया था। और उस वक्त पे क्या हुआ था कि सेलर्स ने क्या किया, यहाँ पर एंट्री लिया था, जिसकी वजह से हमारा क्या है कि यहाँ पर स्ट्रोंग सेलर्स एरिया है, ठीक है। तो यानी एक चीज आपको ये समझ में आ गया होगा कि बायर्स इसमें क्या है कि नहीं है, और ज्यादा बायर्स नहीं है, यानी मैक्सिमम क्या है यहाँ पर, क्या है कि सेलर्स ही एक्टिव है, यानी 10 से 2:30 बजे के बीच में क्या है कि सेलर्स ही एक्टिव है, बायर्स इसमें नहीं है। बायर्स की अगर बात करें तो सिर्फ 23,000 का यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, प्लस यहाँ पर 9,000 कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, एंड 5,000 कॉन्ट्रैक्ट, यानी 38,800, 38,000 एंड आपका 900, है ना, प्लस 39,000, करेक्ट है। तो हमको क्या है कि यहाँ पर क्या हमारे की बहुत ही कम बायर्स है, तो ये हमको ये समझ में आएगा कि बायर्स तो है बट कम है, और सेलर्स क्या है, ज्यादा है। तो ये चीजें हमको ये समझ में आएगा कि मार्केट क्या है 10 बजे से 2:30 बजे के बीच में क्या है कि सेलर्स है। अब हम थोड़ा यहाँ पर, यहाँ से अब हम चेक करेंगे लगभग 1 बजे से, एंड उसके बाद फिर आता है 2:45 के बाद, अब फिर से हम थोड़ा चेक करेंगे। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे इस डेटा को फिर से कि मार्केट जहाँ से रिवर्स हुआ है, तो वहां पर क्या सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट ओपन हुआ है, या बायर सबसे ज्यादा एक्टिव हुआ है, या सेलर्स भी, या दोनों लोग एक्टिव हुआ है, तो अब डेटा फिर चेंज हो जाएगा दोस्तों। ओके, अब फिर से आप देखो यहाँ पर बायर्स ने क्या किया है, पोजीशन एग्जिट किया, प्लस सेलर्स ने पोजीशन एग्जिट। अभी आपने देखा था कि यहाँ पर बायर्स भी था
और सेलर्स भी था। सेलर क्या था, सबसे ज्यादा था, 10 बजे से 2:30 बजे के बीच में क्या था, सेलर्स ने यहाँ पर पोजीशन बनाया था और बायर कम थे। ठीक है, अब आपको ये डेटा आपको देखने का है कि बायर्स ने भी पोजीशन एग्जिट किया है, प्लस क्या है कि सेलर्स ने भी पोजीशन एग्जिट किया है, क्योंकि मार्केट जब रिवर्सल होता है तो ये क्या है माइनस में दिखाने लगता है, क्योंकि मार्केट पहले डाउन आया है उसके बाद रेंज जो के रिवर्स हो रहा है, इसीलिए ये माइनस में दिखा रहा है। तो हमारे लिए ये हेडक वाली बात नहीं है, चीजें आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एग्जिट पोजिशन दिखा रहा है बायर्स का एंड सेलर्स का दोनों, इससे आपको घबराने है। आपको ये कॉन्ट्रैक्ट देखना, ऊपर वाला बार देखना है, ये नीचे वाला का मतलब है कि एग्जिट पोजिशन, ऊपर वाले का मतलब है कि एक्टिव पोजिशन अभी है, करेक्ट। यानी 1:30 बजे से आप देखो यहाँ पर, यानी सॉरी 1 बजे से 2:30 बजे के बीच में क्या है यहाँ पर, क्लियरली यहाँ पर क्या है कि बायर्स एक्टिव है, सेलर्स इसमें नहीं है। सेलर्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 280 ही कॉन्ट्रैक्ट पर ओपन है, तो इसका मतलब ये है हुआ कि हमारे यहाँ पर मैक्सिमम 1, 2, 3, 4 यानी 4 स्ट्राइक प्राइस पे हमारे बायर्स ने एंट्री दबा के किया है। इसका मतलब 39,200 पे, 39,300 पे, 39,400 पे एंड 39,500 पे, ये क्या है, ये 4 स्ट्राइक हमारे क्या है कि बायर्स ने दबा के एंटर किया है, मार्केट को रिवर्स किया है। अब 2:30 बजे के बाद अब आती है अपना ये हाई लो वाला अपना कॉन्सेप्ट। ओके दोस्तों, तो इतने बारीकी से मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप प्रॉपर अगर आप मंडे से अगर आप अप्लाई करोगे मंडे टू फ्राइडे, क्लियरली आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा समझने में, बट आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही अच्छे से आप कंफर्मेशन निकाल सकते हो बैंक निफ्टी में। अब बात आती है यहाँ पर 2:30 बजे के बाद अपने को ट्रेड निकालने का, तो हमारा यहाँ पर ट्रेड क्या है कि अब यहाँ पर आता है 39,200, अभी हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया था 39,200, मार्केट ने क्या किया ब्रेक किया एंड सपोर्ट लिया, उसके बाद क्या कंटिन्यू मार्केट क्या हुआ यहाँ पर रिवर्स। तो 39,200 ये जो लेबल्स है ये हमारे लिए क्या है कि इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल वर्क कर रहा है, तो हमको ये पता चल गया क्योंकि ये क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल लेवल हमने पहले ही ड्रॉ किया था, करेक्ट, जिसको वैसे आपको क्लियर समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर मंथली का ये सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब क्या है कि वीकली का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। तो क्लियरली अगर आप देखोगे तो ये रहा आपका वीकली का रेजिस्टेंस लेवल। ठीक, तो प्राइस ने क्या किया पहले ब्रेक किया, देन ये क्या रेजिस्टेंस क्या ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पर ने प्राइस क्या किया सपोर्ट, यानी रेजिस्टेंट टू बिकम सपोर्ट बना सपोर्ट, उसके बाद मार्केट क्या हुआ बुलिश हुआ। तो इस तरह से आप हाई लो का अगर आप कंफर्मेशन निकालोगे तो क्लियर कट कंफर्मेशन निकाल के आप ट्रेड निकाल सकते हो। ओके, इसीलिए हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने पहले ड्रॉ किया था ताकि आपको ये ना लगे कि मैं जबरदस्ती यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन को सेट करने के लिए या बताने के लिए आपको। ओके, तो वीकली एंड मंथली का सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है, प्लस डेटा के हिसाब से अगर आप डेटा देख के अब हाई लो का अगर आप ट्रेड करोगे तो आपको क्लियर कंफर्मेशन स्कैल्पिंग ट्रेड मिलेगा। अब यहाँ पर आपका क्या आता है सिंपल, आप यहाँ पर एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाते हो एंड हमारा फर्स्ट टीपी टारगेट क्या होगा रेजिस्टेंस लेवल। ओके, यहाँ पर आपका पहला टारगेट है, सेकंड टारगेट आपका यहाँ पर है, आप चाहे तो यहाँ से आपका एग्जिट मार सकते हो, चाहे आप यहाँ पर एग्जिट मार कर सकते हो। ओके, क्योंकि डेटा हमारा बुलिश था तो हम ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं उस केस में, क्योंकि यहाँ पर क्या था सेलर्स अपना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप सेलर्स कॉन्ट्रैक्ट देखोगे तो 280 कॉन्ट्रैक्ट से दिखा रहा है, और यहाँ पर देखो 1,800, 3,900, 1,500, 1,300, तो सबसे ज्यादा बायर्स की एक्टिविटी, इस केस में हम ट्रेड को होल्ड भी कर सकते हैं या आप अपनी मर्जी के मुताबिक आप एग्जिट भी कर सकते हो अगर आपको पेशेंस नहीं है तो, बट आपको कंफर्मेशन आपका ये ट्रेड होगा स्कैल्पिंग का। ओके दोस्तों, आई होप आपको ये सारा जो मैंने आपको नॉलेज बताया है इससे आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी दोस्तों, अगर आप अच्छे से अप्लाई करते हो प्रॉपर रिसर्च करने के बाद, जितने भी मैं आपको बताया हूँ यहाँ पर आपको कैसे डेटा को देखना, कैसे हाई लो को ड्रॉ करना है, फिर आपको यहाँ पर यह समझना है कि बायर सकती है या सेलर सकती है, फिर टाइमिंग को चेक करना है कि पहले आपको ओवरऑल टाइमिंग चेक करना है कि जहाँ से मार्केट क्या हुआ ब्रेकआउट हो रहा है, ये पूरा अपना देखना है कि इसमें सेलर ज्यादा है बायर सेक्टर में। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर यह देखा था कि 10 से आपका 1:30 बजे के बीच में क्या था यहाँ पर बायर्स कम थे सेलर्स ज्यादा थे, उसके बाद क्या हुआ जब हमने यहाँ से चेक किया तो क्लियरली यहाँ पर बायर्स ने एंटर लिया, इसका मतलब क्या था जो यहाँ वाला बायर था वो भी हेल्प किया और जो यहाँ से इंटर हुआ वो भी हेल्प किया, यानी सेलर को इसने हटा दिया, तो डेटा के हिसाब से कंफर्मेशन मिल गया। उसके बाद आपका आता है ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यानी वीकली एंड हाई का, वीकली और मंथली का हाई एंड लो। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड वीडियो को वॉच करने के लिए, कोई भी डाउट होता है कमेंट कर सकते हो आप एंड मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कुछ नया सीखो कुछ नया करो। थैंक यू सो मच फ्रेंड।